हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना। आज की हमारी रेसिपी है होममेड केक। इसे बनाना बहुत ही इजी है। यहाँ पर हमने सिर्फ दो चीज़ों का यूज़ करके ये केक बनाए हुए हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपकी राय हमारे साथ में शेयर करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पार्ले जी का एक पैकेट लिया और मिल्क बिस्किट है, डेयरी मिल्क 10 वाली, एक अमूल बटर, दूध और पीसी हुई शक्कर। अभी हम बिस्किट को बारीक टुकड़े कर लेते हैं इसके। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सब बिस्किट को अच्छी तरह से तोड़ दिया है। अभी हम इसका बारीक पीस लेते हैं। आप चाहो तो हाथ से भी इसे पीस सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर मिक्सर जार का यूज़ किया है। ये देखिए, हमने पीसे हुए बिस्किट को एक बाउल में निकाल लिए है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। हमें एक साथ में इसमें दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, तब आपका बैटर जो है वो अच्छा होगा और उसके अंदर लम्स नहीं होंगे। हमें कंटिन्यू इसे इस तरह से चलाते हुए इसका घोल बना लेना है। ये देखिए आप, जो केक का बैटर है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया। अभी हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम दो बूंद वेनिला एसेंस डाल देते हैं। अगर आपको ये फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप दूसरा कोई भी फ्लेवर का डाल सकते हो। ये देखिए, केक का बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ा बर्तन लिए हुए, उसमें नमक डाले हुए, नमक के ऊपर एक स्टैंड रखकर उसका ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट पर हमें रीहीट होने देना है। अगर आपके पास केक का कोई बर्तन नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी बर्तन लेकर उसमें आप आपका बैटर डाल सकते हो। अभी हम इसमें थोड़ा से घी या तो फिर आप बटर लगा सकते हो। हमने यहाँ पर बटर का यूज़ किए। ध्यान रखें कि इसे अच्छी तरह से हमें चारों तरफ से लगा लेना है। ये देखिए, बटर लगाकर हो चुका है। अभी आप इसमें कोई भी आटा डाल सकते हो, मैदे का आटा या तो फिर आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो। हमने यहाँ पर गेहूं का आटा यूज़ किए। आप इस तरह से इसे घुमाते हुए चारों तरफ से लगा लीजिए। ये देखिए, ये पूरी अच्छी तरह से लग गया है। अभी हम कोई भी एक प्लेट के ऊपर इसे ऐसा झटक कर इसका पूरा आटा निकाल लेंगे। इसमें ज़्यादा आटा नहीं रहना चाहिए। चलिए अभी हम बैटर चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं बैटर कितनी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें चॉकलेट के पीसेस करके इसमें डाल देते हैं। अगर आप चाहो, आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप वो डाल दीजिए। हमने यहाँ पर चॉकलेट का यूज़ किया है। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। अभी हम वही बर्तन में ये बैटर डाल देते हैं जिसमें हमने आटा लगा कर रखे हुए थे। अभी हम इसे सेट कर लेते हैं। एक स्पून की मदद से हम इसे इस तरह से घुमाते हुए इसको सेट कर लेंगे और थोड़ा दो बार इसे इस तरह से कर लेंगे। अभी जो हमने बर्तन को प्रीहीट करके रखे थे उसे उसका ढक्कन निकाल लेते हैं और वो जो बर्तन में हमने बैटर रखे हुए थे वो इसमें रख देंगे और इसका ढक्कन लगाकर हमें इसे 20 से 25 मिनट तक इस तरह से रहने देना है। जब तक हमारा केक रेडी हो रहा है तभी तक हम इसकी क्रीम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्लास में हाफ ग्लास दूध लिए है। इसमें हम शुगर पाउडर है, हम वो एक एक चम्मच डालेंगे इसमें और इसका अच्छा से पतला घोल बना लेंगे। ध्यान रखिए कि हम इसे आधा हाथ से ढकते हुए इसे घोल बनाएंगे ताकि जो दूध है वो ठंडा ना हो जाए। हमने यहाँ पर गर्म दूध लिए हैं तो ये जो चीनी है वो गुलने में आसानी होगी।
टोटल हमने यहाँ पर 250 ग्राम शुगर पाउडर लिए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका कितना अच्छा पतला घोल बन गया है। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने बटर लिए हुए, ये बटर है। हमने यहाँ पर ये क्रीम बनाने के पहले हमने इसे 10 मिनट बाहर निकाल के रखे थे नॉर्मल टेम्परेचर पर। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं होने देना है, ना ही ज़्यादा हार्ड रहना चाहिए। ये इस तरह से ये मीडियम इसमें रहना चाहिए। ये देखिए हम इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए रहेंगे जब तक इसका जो बेस है वो चेंज ना हो जाए। हमारे पास मशीन नहीं है, हम ये घर पर हाथ से ही बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ घर पे मशीन नहीं होती है, इसके लिए हम आपको ये इजी स्टेप से आपको ऐसा बता रहे हैं। आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे कंटिन्यू बनाते रहिए, आपका केक बहुत ही यम्मी और टेस्टी होगा। ये देख सकते हैं आप, इसका जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं और फिर उसके बाद चेक कर लेंगे। ये देखिए अभी हम केक को चेक कर लेते हैं, ये रेडी हुआ है या नहीं। हमारे 25 मिनट पूरे हो चुके हैं। अभी आप टूथपिक या कोई भी नाइफ वगैरह से आप इसे चेक कर सकते हो। ये देखिए केक इसका इसके अंदर चिपका नहीं, यानी कि केक रेडी हो चुका है। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट रख देते हैं। ये देखिए हमें इसे 10 मिनट बाद फ्रिज में से निकाल लिए। आप देख सकते हैं कि ये कितना थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसे एक बार फिर से चला लेंगे। इसे कंटिन्यू इस तरह चलाते हुए रहेंगे तो जो आपकी क्रीम है बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होगी, आप देख सकते हैं ये। अभी हम इसमें 150 ग्राम शुगर पाउडर डालेंगे, या तो आपके पास आइसिंग शुगर है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर शुगर पाउडर यूज़ किए हुए। लेकिन हमें इसमें कंटिन्यू पूरा नहीं डालना है, एक एक चम्मच डालकर इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए रहना है। आप देख सकते हैं इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहोगे तो आपकी जो क्रीम है वो कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए हमने यहाँ पर एक एक चम्मच डालते हुए अपनी जो क्रीम है वो बना लिए हैं। अभी इसमें दो ही चम्मच बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्रीम कितनी अच्छी दिख रही है, टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी है ये। ये देखिए हमने इसे कंटिन्यू चलाते हुए रहे हैं तो ये क्रीम अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे फिर से 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जो दूध और चीनी का जो घोल बनाकर रखे हुए थे उसमें अभी हम कलर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर का यूज़ किया है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये जो घोल है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अभी हम आप इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे, आप आपके टेस्ट के हिसाब से कोई भी दूसरा यूज़ कर सकते हो। हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, हमने यहाँ पर सिर्फ दो बूंद यूज़ किए हैं और इसे भी मिक्स कर लेंगे एक बार। अभी हमने जो फ्रिज में रखे हुए थे क्रीम वो निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्रीम कितनी अच्छी हो गई है, थोड़ी हार्ड भी हो गई है। हमने इसे फ्रिज में इसके लिए रखे थे ताकि अभी हमें इसमें जो लिक्विड है वो मिक्स करना है। जो शुगर और कलर का लिक्विड है वो हमें इसमें एक साथ नहीं डालना है, एक एक चम्मच डालकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए रहना है इसे। अगर आप एक साथ में इसमें डालोगे तो जो इसका बेस है वो चेंज हो जाएगा और ये और इसका टेस्ट भी बिगड़ सकता है। इसके लिए इसे ध्यान से आप एक एक चम्मच डालकर इसे मिक्स करते हुए रहें। हमें इसमें जो क्रीम बनाते हैं तो इसमें बहुत ध्यान देकर ये काम करना रहता है, क्योंकि जो मेन जो केक का बेस होता है वो है क्रीम। अगर क्रीम आपकी ख़राब हो जाए तो पूरा केक ख़राब हो सकता है। इसके लिए आप ध्यान से इसे स्टेप बाय स्टेप बनाते रहें ताकि जो इसका टेस्ट है वो भी ना चेंज हो और उसका जो बेस है वो भी ना ख़राब हो। आप देख सकते हैं कि ये जो क्रीम है कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी हुई है। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा कर ही मिक्स करे हुए हैं। अगर आप एक साथ डालोगे तो ये में भी ये ख़राब हो सकती है। ये देखिए ये क्रीम अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं।
अभी जो केक का बेस है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अभी हम इसे एक नाइफ की मदद से साइड से एक बार चेक कर लेंगे। अभी हम इस केक के ऊपर दूसरी प्लेट रखकर इसको पलट देंगे और उसके बाद में इसे ऊपर से इस तरह से हम प्रेस करोगे तो ये केक ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अभी हम इसमें ऊपर साइड से दूसरी प्लेट रख देते हैं और इसे पलट देते हैं। आप देख सकते हैं ये केक कितना अच्छा बना हुआ है। अभी हम एक नाइफ की मदद से इसे बीच में से कट कर देते हैं और इसके दो पार्ट कर देते हैं। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक है और दिखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है और इसका जो शेप है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए हम केक बनाने के लिए केक का स्टैंड कुछ इस तरीके से बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास केक का स्टैंड नहीं है। हमने यहाँ पर एक कटोरी के ऊपर एक बड़ी प्लेट रख दी है ताकि उसे घुमाने में आसानी हो। अभी यहाँ पर हमने एक बड़ी प्लेट ले ली है, इसके ऊपर हम केक बनाएंगे। अभी हम इसमें जो क्रीम बनाकर रखे हुए हैं वो डाल देते हैं। यहाँ पर हम 1 से 2 चम्मच इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिए हैं। अभी हम इसमें केक का एक बेस रख देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि जो ये क्रीम है अच्छी तरह से रहे नीचे। अभी हम इस बेस के ऊपर शुगर सिरप लगा देते हैं। हमने यहाँ पर जो दूध और शुगर जो मिक्स करके रखे हुए थे उसका ही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें शुगर सिरप अच्छी तरह से लगा लिए। अभी हम इसमें क्रीम लगा देंगे और उसके बाद में और एक बार इसे स्प्रेड कर लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से लगा लिए। अभी हम इसका दूसरा बेस रख देंगे इसके ऊपर। ये देखिए शुगर सिरप लगा के हो चुका है। अभी हम इसमें क्रीम लगा देंगे और इसे पूरी अच्छी तरह से क्रीम लगाना है और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। इसे इस तरह से हमें राउंड शेप में गोल गोल घुमाते हुए इसे क्रीम साइड से भी लगा लेना है। हमारे पास कोई स्पैचुला वगैरह नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी लगा सकते हो या तो कोई स्पून की मदद से लगा सकते हो। यहाँ पर हमने नाइफ़ का यूज़ किया है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्रीम को अच्छी तरह से लगा लिए है। अभी यहाँ पर हमने जो हाफ डेयरी मिल्क रखे हुए थे वो ले लेते हैं और इसे इस तरह से क्रश करते हुए इस पर ऊपर से डाल देंगे ताकि ये जो टेस्ट में जितना अच्छा हो उतना ही ये दिखने में भी उतना ही अच्छा रहना चाहिए, इसलिए हम इसे इस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो केक है वो कितना अच्छा बना हुआ है। अभी हम आपको ये इसका एक पीस कट करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमने ऊपर जो जेली है उसका यूज़ किए हुए है। मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए और आपकी राय हमारे साथ में ज़रूर शेयर करिए कि आपको ये केक कैसा लगा। हमने ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ में ये केक बनाए हुए हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा होममेड केक रेडी है। यहाँ पर हमने इसे बिस्किट का यूज़ करके ये बनाया है केक। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।